सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे iPad 9 जनरेशन में HDR एक्सट्रीम HDMI टेस्ट। एंड अभी बहुत लोग आप में से सोच रहे होंगे कि भाई HDR एक्सट्रीम कब से आ गया iPad 9 जनरेशन में। तो जब HDMI का ये नया अपडेट आया था, यानी कि HDMI का 3.2 अपडेट है, तो इसी अपडेट में आ चुका है हमारा HDR एक्सट्रीम का भी सपोर्ट। तो देखते हैं कि क्या उस पे 40fps मिलता है या फिर 60fps मिलता है, या फिर एक्सट्रीम वाला ऑप्शन ऐसे ही बस ग्लिच की वजह से खुल गया है। और आपको मैं अपना रिव्यू भी देने वाला हूँ पूरा टेस्ट करके, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। अगर आप iPad प्लेयर हो या फिर नॉर्मल भी HDMI खेलते हो तो जरूर से देखना इस वीडियो को। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टाइम और बैटरी देख सकते हो, तो 99% से मैं खेलना चालू करने वाला हूँ। और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 950 हो रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग वगैरह भी देख सकते हो, भाई सही में HDR एक्सट्रीम आ चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख लो मैंने सेट कर रखा है HDR एक्सट्रीम पे, और कॉम्बैट पे सेट है, यानी कि क्लासिक में हम लोग खेल के देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि कहीं पे भी लैग होगा तो आपको दिख जाएगा। और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो गाइस यहाँ तक खेलते हुए मेरे को आधा घंटा हो चुका है, और अभी आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो 10:20 हो चुके हैं। और बैटरी हमारी आ चुकी है 88% पे, यानी कि हमको खेलते हुए आधा घंटा एग्जैक्ट हो चुका है। और बैटरी भी जो हमारी गई है इस आधे घंटे में वो गई है 11%। और देखा जाए ना, मतलब कि HDR एक्सट्रीम पे हमने खेला है, तो HDR एक्सट्रीम के हिसाब से बैटरी हमारी बिल्कुल सही चली है। क्योंकि नॉर्मली भी जब मैं स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलता हूँ 30-35 मिनट तक, तो भी हमारी बैटरी 8-9% 10% ड्रेन हो जाती है। और अभी तो भाई HDR एक्सट्रीम में मैं खेला था, तब तो भाई बैटरी और भी ज्यादा ड्रेन होनी ही थी, लेकिन तब भी बस हमारी 1-2% बैटरी ज्यादा गई है, जबकि 4-5% भी जा सकती थी। तो बैटरी यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और रही बात हीटिंग की और इस आधे घंटे की परफॉर्मेंस की, तो पहले बात करते हैं हीटिंग की, क्योंकि HDR एक्सट्रीम पे सबको लगता है कि बहुत ज्यादा हीट होता है, और हीट होता भी है, लेकिन इस आधे घंटे में ना मेरे को उतनी हीटिंग देखने नहीं मिली जितनी की यूजुअली देखने मिलती है। मतलब सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितनी स्मूथ पे भी हीटिंग होती है ना, उससे भी कम हीटिंग हो रही थी। अब ये पता नहीं कैसे हो रही थी, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन हाँ हीटिंग कम हो रही थी। और 60fps हमको मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि ग्लिच की वजह से 40fps मिल रहा हो, 60fps प्रॉपर मिल रहा था। और आपको भी देख के पता चल रहा होगा कि 60fps ही मिल रहा है। और रही बात लैग की, फ्रेम ड्रॉप्स की, तो लैग तो मेरे को एक बार भी देखने नहीं मिला, लेकिन जितने भी बार मेरे सामने 2 या 3 बंदे आ जाते ना, तो हल्का सा यहाँ पे फायर करने पे फ्रेम ड्रॉप हो रहा था। और फ्रेम ड्रॉप वैसे भी हो रहा था, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो भी फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, या फिर मैं बंदे को मार दूं वो फिनिश हो जाए, उसके बाद भी हल्का सा अटक रहा था। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया कि जब मैं बंदे को मार दे रहा हूँ ना, तब हल्का सा अटक रहा है मरने के बाद। और बाकी तो मेरे को कोई भी इश्यूज देखने नहीं मिले HDR एक्सट्रीम ग्राफिक पे। और सही में भाई iPad पे HDR एक्सट्रीम खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। एंड बाकी अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा गेम प्ले कैसा होता है। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। Celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And to quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You were thinking that happens in it. Damn, man, I'm all that. Yeah, I'm all that. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing.
why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. तो गाइस फाइनली मेरे को यहाँ पे खेलते हुए वन हार हो चुका है HDR एक्सट्रीम पे iPad 9 जनरेशन में, और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 75% पे, और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10:52 हो रहे हैं, यानी कि मेरे को खेलते हुए यहाँ पे वन हार और 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इतने देर में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है 24%, और देखा जाए ना तो भाई HDR एक्सट्रीम के हिसाब से बिल्कुल सही बैटरी हमारी गई है। एंड वैसे मैं स्मूथ पे भी खेलता हूँ ना तो भी ऐसे ही जाती है 21-22, कभी कभी 24 भी चली जाती है, 25 भी चली जाती है, लेकिन HDR एक्सट्रीम पे 24-25 तक जाना बिल्कुल सही है। मैं तो सोच रहा था कि आराम से 30-35 तो जानी चाहिए एक घंटे में अगर हम HDR एक्सट्रीम पे खेले तो। बैटरी बैकअप के हिसाब से देखा जाए तो HDR एक्सट्रीम पे iPad 9 बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और बाकी रही बात परफॉर्मेंस की और हीटिंग की, तो पहले बात करते हैं हीटिंग की, तो इस एक घंटे में मेरे को उतनी हीटिंग देखने नहीं मिली। मतलब पहले आधे घंटे का तो मैंने आपको बताया ही कि तब मेरे को उतनी हीटिंग देखने नहीं मिली थी, लेकिन बाद के आधे घंटे में थोड़ी सी हीटिंग बढ़ गई थी, लेकिन तब भी ना उस लेवल की हीटिंग नहीं हो रही थी जितनी की iPhone में होती है HDR एक्सट्रीम पे खेलने पे। तो उस लेवल की हीटिंग बिल्कुल भी मेरे को देखने नहीं मिली iPad में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे हीटिंग iPad में नहीं होती है। मैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे बहुत खेला हूँ, बहुत ज्यादा खेला हूँ iPad 9 जनरेशन में, और उससे भी ज्यादा हीटिंग होती है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे, लेकिन वो भी बहुत ही रेयरली होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। और रही बात लैग वगैरह की, तो लैग का तो मैंने आपको पहले ही बताया एंड दोबारा से बता देता हूँ, तो लैग मेरे को कहीं भी उतना देखने नहीं मिला, बस जब मैं जंप कर रहा था ना प्लेन से तब हल्का सा लैग फ्रेम ड्रॉप हो रहा था, उसको लैग भी बोल सकते हैं फ्रेम ड्रॉप भी बोल सकते हैं, और वो सबका ही होता है भाई, 15 प्रो मैक्स में भी होता है, iPad प्रो M2 में भी होता है, तो उसको तो मैं कुछ मानता ही नहीं। एंड बाकी तो मैच में मेरे को कहीं भी उतना लैग देखने नहीं मिला, फ्रेम ड्रॉप हल्के फुल्के हो रहे थे, और ज्यादातर टाइम ना मेरा गेम तभी अटक रहा था जब मैं बंदे को मार दे रहा था या फिर बंदे से फाइट ले रहा था, फायर कर रहा था उस पे, तभी अचानक से ना हल्के हल्के से फ्रेम ड्रॉप मेरे को देखने मिल रहे थे या फिर गेम अटक रहा था, ऐसे बोल लो। तो बस यही मेरे को थोड़ी सी दिक्कत देखने मिली, एंड उसके अलावा तो मेरे को HDR एक्सट्रीम पे खेलने पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई iPad 9 जनरेशन में, और गेम प्ले ना करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। मतलब पहले ही मैंने HDR प्लस 40fps पे खेला हुआ है, लेकिन उसमें भाई 40fps पे उतनी फील नहीं आती है, लेकिन 60fps की जो फील आती है ना HDR एक्सट्रीम पे वो भाई अलग ही लेवल की है। तो मैं भी आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा, अगर आपके भी iPad में सपोर्टेड हो तो जरूर से खेल के देखना, कम से कम एक या दो मैच तो खेल के देखना ही देखना। और बाकी हाँ, ये कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि ये ग्लिच है क्या, तो ये कोई ग्लिच वगैरह नहीं है, 60fps प्रॉपर मिल रहा है HDR एक्सट्रीम ग्राफिक पे। एंड बाकी यही था हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सर उसे सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।